ठीक है, तो अपन अब डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, बहुत ही इजी वे में बात करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग बना लो मेरे भाई कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहली बात अपन करने वाले हैं मेरे भाई परसेंटेज से बात करेंगे। सबसे पहले किससे बात करेंगे, कंसंट्रेशन में आप फर्स्ट हेडिंग बनाओ मेरे भाई परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज में सर कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाएंगे आप? हम लोग मेरे भाई तीन टर्म्स बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई यहां पे अपन पढ़ेंगे मास परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे सर? मास परसेंटेज पढ़ाऊंगा मैं आपको, राइट। उसके बाद मैं मेरे भाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे। देन आफ्टर मेरे भाई मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तीन टर्म्स पढ़ेंगे, ए बी सी कर सकते हैं मेरे भाई। बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही इजीएस्ट वे में बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स का पहला टॉपिक है मेरे भाई परसेंटेज, राइट। परसेंटेज के अंदर मैं आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सिखा रहा हूं, राइट। चलो सबसे पहली बात सर, ये मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मास परसेंटेज में क्या ही पढ़ने वाले? तो अपन एक सिंपल सी बात करते हैं, इसको अपन बोलेंगे कि W बाई W बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहीं कहीं लिखा होगा मेरे भाई M बाई M, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। M बाई M का मतलब होता है मास बाई मास, ठीक है। और यहां पे W बाई W, वेट बाई वेट बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। केमिस्ट्री में वेट एंड मास दोनों सेम है, फिजिक्स में तो डिफरेंट होते हैं, बट यहां पे वो कॉन्सेप्ट मत लगाना कि सर यहां पे आपने वेट बोला मास बोला, बहुत अंतर होता है सर। लेकिन यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया मैं जो समझाना चाह रहा हूं। चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, वेट बाय वेट पढ़ना है। अपन यहां लिख सकते हैं मास परसेंटेज, मास बाय मास लिख देता हूं यहां पे मैं, है ना। मास बाय मास लिख दो, बहुत ही इजी है। चाहे W बाय W परसेंटेज लिखो, जो भी आपको लिखना है यहां पे लिख देना, ठीक है सर। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला आपने, एक बार लिख देता हूं यहां पे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखना, अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, राइट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं अपन यहां पे, सॉल्यूट। और ये मेरे भाई वेट की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, तो मेरे भाई ग्राम में होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल, अपॉन टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम होना चाहिए मेरे भाई, इन ग्राम होना चाहिए, ठीक है, ग्राम में होना चाहिए। इनटू 100 करेंगे मेरे भाई, परसेंटेज का मामला चल रहा है यहाँ पे। तो सर एक बात समझ में आया कि मास परसेंटेज में आप एक टॉपिक सिखा दिया, परसेंटेज के अंदर अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया मास परसेंटेज। अपन इसको W बाई W बोल दें, या वेट बाई वेट बोलो, या M बाई M बोलो, जैसे भी बुक में आपके लिखा हो कोई बेचैनी की बात नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफिनेशन जानना चाहते हो तो सुन लो फिर लिख लेना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100, देखो ग्राम में बोलना, सॉल्यूट मेरे भाई ग्राम में बोलना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है मेरे भाई, उसको मेरे भाई बोलेंगे क्या? W बाई W से अपन वो डिस्कस कर दे, फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहां पे, इसको नोट कर लेना, ठीक है सर। मास बाई मास का अगर आपने फॉर्मूला लिख ही दिया, वेट बाई वेट परसेंटेज का, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, ठीक है। चलो उसके बाद सर सेकंड की बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के, जिसमें मेरे भाई V बाई V से जानेंगे अपन, V बाई V से जानेंगे। तो यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, यहां पे मैं इसको, चलो इसके नीचे लिखता हूं, ठीक है। यहां पे देखो वॉल्यूम परसेंटेज में मेरे भाई अपन V बाई V से भी लिख सकते हैं, आप जैसा लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखेंगे अपन फॉर्मूले में, फॉर्मूले में V बाई V परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेरे भाई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा ml में, किस में होगा सर, ml में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल, टोटल मास नहीं लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम लिखेंगे इस बार, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में होगा, एमएल में होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर लेना मेरे भाई, क्योंकि परसेंटेज का मामला, यानी कि वी बाई वी अगर आपको निकालना होगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एमएल प्रेजेंट इन पर 100 एमएल ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस दिस इज वी बाई वी, है ना, दिस इज वी बाई वी। अगर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन, ठीक है, देखो अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम पहले बोल दे, नहीं सॉरी ग्राम नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही तो ml बोलो, ठीक है, इसमें ग्राम था, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ml है ना, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये v बाई वी हो गया फॉर्मूला, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया। c की बात करेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको अपन बोल सकते हैं m बाई वी, ठीक है, या w बाई वी भी वही चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री में मेरे भाई ये बोथ आर इक्वल, ऐसा कोई कंफ्यूजन मत ले लेना, ठीक है। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं m by v परसेंटेज, ठीक है, m by v का अगर आपको मेरे भाई निकालना हो, मेरे भाई मास by वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपको जानना हो, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कलर चेंज कर देते हैं अपन, लिखते हैं यहां पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, राइट, ग्राम, ठीक है, ग्राम में होगा, सोल्यूट मेरे भाई ग्राम में होगा, उसके बाद क्योंकि यहां से देखो समझ में आ रहा है मास है ना मेरे भाई, तो मास है तो वो ग्राम में हो जाएगा, सोल्यूट है तो वो ग्राम में होगा, ये v लिखा है तो ये वॉल्यूम की बात हो रही है, यहां पे लिख देता हूं मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे भाई वो ml में होना चाहिए, इनटू 100 कर लेना, यानी कि एक बात समझ में आया कि कुछ ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो w बाई w हो गया, ठीक है, कुछ ml, देखो यहां पे सेकंड वाले में देखो, कुछ ml सॉल्यूट जो है कुछ ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ml ml की बात होगी तो v बाई v होगी, ठीक है, ग्राम ग्राम की बात होगी मेरे भाई तो डब्ल्यू डब्ल्यू वाला हो गया, राइट, एक ग्राम और एमएल की बात हो गई तो मेरे भाई डब्ल्यू बाई वी की बात करो या एम बाई वी, दोनों सेम है। ये हो गया हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म में, एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपन ने, परसेंटेज टर्म, इसको नोट करिए फटाफट।